शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्राओं ने अपने प्राचार्य और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एक ऊंची उड़ान भरी है। इसके तहत कक्षा 12वीं की छात्राओं ने फैशन डिजाइनिंग सीखकर खुद को ग्रीष्म ऋतु के परिधान बनाए और उसकी प्रदर्शनी भी लगाई। कहते हैं गुरु अगर काबिल मिल जाए तो शिष्यों का बेड़ा पार हो जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल और उनकी छात्राओं के बीच के संबंध। प्राचार्य संगीता सिंह बघेल के प्रयासों से और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से इस विद्यालय की कन्याओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी लिखवा लिया। प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने अपने विद्यालय की कन्याओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन बनने की कवायद शुरू की, जिसमें सहयोग किया भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने। इस ट्रस्ट ने बालिकाओं की पूरी फीस भरी और फिर बालिकाओं ने कड़ी मेहनत करके अपने मनपसंद विधा को पूरी शिद्दत से सीखा, जिसका प्रतिफल उन्हें काफी बेहतर ढंग से मिला। रविवार को सूर्या मॉल में आयोजित किए गए एग्जीबिशन में उन्हें भी अपना स्टॉल लगाने की अनुमति मिली और इस स्टॉल ने आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बच्चों के द्वारा खुद से बनाए गए परिधानों को प्रदर्शनी में देखने आए ग्राहकों ने सराहा भी और खरीदा भी। इन बालिकाओं को फोनिक्स संस्था ने इनकी विधा में पारंगत किया, जिसके लिए स्कूल की प्राचार्य सहित इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने आभार जताया। आज हम यहाँ पे बोहो फेस्टिवल में आए हैं, जहाँ हमारी लड़कियाँ, हमारी सरकारी स्कूल की लड़कियाँ, जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, शायद लोग सोचते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, हमने उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए PECT और रोटरी पिनाकल ने फिनिक्स इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया और हम 32 गर्ल्स को ट्रेन कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए, ताकि वो जब पास आउट हों 12th, उसके बाद उन्हें किसी का भी मुंह ना देखना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। बच्चों को अगर आपने एक महीने पहले देखा होता और अगर आप अब देखते तो आप उन्हें पहचान नहीं पाते। और ये जितने भी आप यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं सब हमारी लड़कियों ने, मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी, हमारी प्यारी लड़कियों ने बनाया है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू एंड इट इज़ सेलिंग हॉट लाइक हॉट केक, तो इसी से पता चल रहा है कि हमारी लड़कियों ने क्या कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान, हम हमारी जो कुछ लड़कियाँ इनमें से जो और आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उन्हें और एडवांस कोर्सेज भी करवाएंगे और हम ये हर साल 30-40 लड़कियों को ये सारे कोर्सेज करवाने का पूरा हमारा नियत हमारी वही है। हमारी कन्याशाला, शासकीय कन्याशाला वैशाली नगर की कुछ छात्राएँ जो इसमें इस ओर उनका रुझान था और उनके जो रुझान को देखते हुए हमने संपर्क किया और भिलाई एजुकेशनल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनसे हमने बात करी कि ऐसी कुछ बच्चियां हैं जिनके अंदर ये कौशल विकास का हुनर आ जाए तो कक्षा 12वीं के बाद भी वो अपने इस हुनर के का उपयोग करके समाज में अपने आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो फिनिक्स इंस्टीट्यूट जो कि नेहरू नगर में है, वहाँ उन्होंने 3 महीने का प्रशिक्षण लिया फैशन डिज़ाइनिंग और कुछ बच्चियों ने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया। और ये कुछ बच्चियां जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया आज यहाँ इस मॉल में स्कर्ट्स बनाए हैं, उन्होंने उसी का स्टॉल लगा है, उसी की प्रदर्शनी हो रही है। और मेरे लिए बहुत अच्छा गौरव की बात है कि इनके अंदर हुनर तो आया ही है और इस हुनर ने उनको बहुत आत्मविश्वास दिया है। तो मैं धन्यवाद करूंगी फिनिक्स इंस्टीट्यूट का और भिलाई एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का, उनका हौसला बढ़ाएगा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और यही वो उम्मीद जगाती है कि सरकारी स्कूल की बच्चियां जो हैं उनमें भी जोश है, जिद है कुछ करने की, तो वो करके दिखाएंगी। सिर्फ मौके की तलाश, अवसर, सही अवसर। फिलहाल फैशन डिजाइनिंग की विधा में पारंगत होकर बालिकाओं ने अपने हाथों से जो परिधान बनाए उसकी बिक्री होते ही उनका मनोबल भी बढ़ता चला गया। अब उनका कहना है कि अगर घर की परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो वो भी घर के हालातों को और आर्थिक स्थिति को अपने हुनर से ठीक कर सकती हैं। ये फिनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड मीडिया से हम उनको सिखाया गया है और ये भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के से तरफ से भी हुआ है और हमारे प्रिंसिपल मैम हमारा हेल्प किए हैं। ये सब के लिए हम लोग अपना करना चाह रहे हैं, हम लोग इस चीज़ में आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम लोग थैंक यू भी बोलते हैं सर एंड मैम, हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं और हमारे जो जो मैम लोग हेल्प कर रहे हैं, सर जो हेल्प कर रहे हैं, सबको हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी का रूप होते हैं, कहा जाता है कि उन्हें जिस सांचे में ढालेंगे वह वैसे ही बन जाते हैं। फिलहाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य ने अपने विद्यार्थियों को उस सांचे में ढालने का प्रयास किया है, जो सांचा आगे उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, साथ ही
आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।